नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। उत्तर कोरिया ने किया अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण। दक्षिण कोरिया ने जताई आशंका, आज सुबह 5.3 तीव्रता वाले कृत्रिम भूकंप के झटके किए गए महसूस। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन को दी नसीहत, दक्षिण चीन सागर पर मानना ही होगा फैसला, चीन के दावे को बताया गैर कानूनी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया आश्वासन, कहा एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का पुरजोर करते रहेंगे समर्थन। दोनों नेताओं के बीच असैन्य परमाणु सहयोग और जलवायु परिवर्तन पर हुई बातचीत। अमेरिका में वेस्ट टेक्सास के हाई स्कूल में गोलीबारी, एक छात्रा की मौत, दो घायल, हमलावर छात्रा ने खुद को मारी गोली। सीरिया के सीमावर्ती शहर ज़ाराबल्स में बम विस्फोट, 5 लोगों की मौत, 12 घायल, आईसिस ने ली हमले की जिम्मेदारी। ब्रिटेन की कंसल्टेंसी वीआर सोशल का दावा, भारत में हर 4 में से एक महिला करती है फेसबुक का उपयोग, फेसबुक पर 24% है महिला उपयोगकर्ताओं की भागीदारी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।